हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट्स 2020, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं क्योंकि ये मंथ्स होते हैं मई, अप्रैल, जून तक के, जहाँ पर रिक्रूटमेंट सारी हो जानी होती है नए सेशन के लिए। इनमें से चार कॉलेजेस को मैंने इस सेशन में पिक किया है और वन बाय वन सभी के रिक्रूटमेंट और सभी सब्जेक्ट्स, वैकेंसी, सीट्स एक्सेट्रा मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। कैसे अप्लाई करना है, उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट तक मैं आपको लेकर चलती हूँ। सबसे अच्छी बात यह कि लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं इन वैकेंसीज में, तो इनको वन बाय वन अभी हम डिस्कस करते हैं इस सेशन में। इससे भी खास बात यह है कि कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होने वाली है। इन चार कॉलेजेस में सिर्फ एक कॉलेज में एप्लीकेशन फ़ी है, बाकी तीनों कॉलेजेस में कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स डिग्री ली हुई है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हैं और बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम उनकी वेबसाइट तक चलते हैं, सभी कॉलेजेस जहां रिक्रूटमेंट्स आई हुई हैं, और साथ ही साथ उनकी नोटिफिकेशन भी देखते हैं, बाकी की डिटेल्स भी लेते हैं। आप एंड तक वीडियो को देखें क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल चार अलग अलग कॉलेजेस हैं, तो वन बाय वन मैं उन कॉलेजेस को डिस्कस करने वाली हूँ। दूसरी बात यह है कि एंड में मैं सभी कॉलेजेस के जो रिक्रूटमेंट की लिंक है या आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सभी एंड में मैं एक साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वन बाय वन चलते हैं नोटिफिकेशंस की तरफ और ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ। इसके पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एक लाइक तो बनता है मेरी वीडियोज़ को क्योंकि मैं कुछ ना कुछ यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करती हूँ टाइम टू टाइम। इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं क्राइस्ट बैंगलोर इंडिया डीम टू बी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन को ज़रा बड़ा करूँ जिससे आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ सब्जेक्ट्स मेंशनड हैं जिन सब्जेक्ट्स पर वैकेंसीज आई हुई हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लें और अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फैकल्टी पोजीशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। एडवर्टीजमेंट नंबर दिए 2020-21, काफ़ी छोटी है इसकी डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 2020-21 एकेडमिक सेशन के लिए ये ओपनिंग आई हुई है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है स्कूल ऑफ साइंसेज में सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये डिम्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन होती है, बैचलर्स डिग्री चलाई जाती है, मास्टर्स डिग्री भी चलाई जाती है होपफुली, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश, परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर एंड म्यूजिक, पियानो, वेस्टर्न क्लासिकल, सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो मेंशनड हियर, कॉमर्स में कॉमर्स, प्रोफेशनल स्टडीज, मैनेजमेंट में जिन्होंने फिनांस, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इन सब में जिनकी स्पेशलाइजेशन है वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लॉ में जिनकी मास्टर्स इन लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जिनको आर्किटेक्चर में डिग्री है मास्टर्स की वो कर सकते हैं। स्कूल ऑफ एडुकेशन में जिन्होंने एडुकेशन में मास्टर्स की हुई वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अभी इन्होंने साफ साफ लिख दी क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज है, तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, सॉरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या एक्सपीरियंस होनी चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए यूजीसी के एआईसीटीई के नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। तो इसके लिए अगर आप नेट सेट हैं या आपने पीएचडी की हुई है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपने आपकी बहुत अच्छी एकेडमिक आपका बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, नेट सेट नहीं है, तो भी आप अप्लाई करके ज़रूर देखें क्योंकि एमबीए कैंडिडेट्स को विदाउट नेट सेट भी बहुत बार लिया जाता है और कई कैंडिडेट्स की एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छी हो तो वैसे भी सिलेक्शन हो जाती है। अप्लाई ऑनलाइन के लिए लिंक यहाँ पर दी हुई है, ये मैं बता दूँ christuniversity.in में जाकर आप सारी डिटेल ले सकते हैं, christuniversity.in। एंड में भी मैं इसकी लिंक ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है, ये यहाँ पर आप इसकी एड्रेस देख सकते हैं साइड में, कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
बेंगलुरु कर्नाटका, तो ये कर्नाटका में बेंगलुरु में आता है ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। चलिए हम दूसरी यूनिवर्सिटी की, दूसरे रिक्रूटमेंट की तरफ आगे बढ़े। इन सभी की लिंक मैं आपको एंड में जरूर प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। ये दूसरी जो ओपनिंग आई हुई है किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट स्टडीज में आई हुई है, इसमें भी काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप देख सकते हैं पीजीडीएम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की जरूरत है, मैनेजमेंट रजिस्ट्रार, मैनेजमेंट हेड, एडमिशन मैनेजमेंट ऑफिस असिस्टेंट, प्रोफेसर मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एसोसिएट प्रोफेसर, मार्केटिंग मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, फिनांस प्रोफेसर, फिनांस एसोसिएट प्रोफेसर, फिनांस असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में प्रोफेसर की वैकेंसी है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एसोसिएट। तो ये सारे एचआर एंड ओबी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, यहाँ पे मैं एक खास बात बता दूं कि सिर्फ एमबीए वालों को ही नहीं लिया जा रहा, यहाँ कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने पीजीडीएम सीए या आईसीडब्ल्यूए की डिग्री ली हुई है वो भी अप्लाई। आप यहाँ देख सकते हैं एंड में एम कॉम विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, अगर फर्स्ट क्लास ना भी हो 55% या 50% भी है। और इससे भी बड़ी बात है कि यहाँ नेट या सेट की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं की हुई है, नेट सेट या पीएचडी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, उन्होंने सिर्फ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात की है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो 2 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द मास्टर्स डिग्री, सिर्फ इतनी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिख दिया है मास्टर्स डिग्री, मीन्स नेट या सेट या पीएचडी एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने प्लेन मास्टर्स भी की है, अच्छी एकेडमिक हिस्ट्री है आपकी, तो आप जरूर यहाँ पर भी अप्लाई करें, और एम कॉम वाले भी प्लीज अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके भी काफी सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो एमबीए के पेपर से क्लैश करते हैं, तो वो भी वहां पर टीचिंग कर सकते हैं। चलिए हम तीसरी यूनिवर्सिटी की, इसकी भी लिंक मैं आपको देने, किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट स्टडीज इन पुणे, ये पुणे में स्थित है ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज जहां पर रिक्रूटमेंट। चलिए हम तीसरे रिक्रूटमेंट की बात करें, ये जो तीसरी रिक्रूटमेंट है ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। यहाँ पर सब्जेक्ट्स मेंशनड हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एडुकेशन में एक, पॉलिटिकल साइंस में एक, सोशियोलॉजी में एक, कॉमर्स में एक, होटल मैनेजमेंट या टूरिज्म में 1, जियोलॉजी में 1 एंड एसोसिएट प्रोफेसर में जूलॉजी एग्रीकल्चर, ये सारे हैं। इसमें जो लास्ट डेट है ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप लास्ट डेट देख सकते हैं 10 अप्रैल 2020, ऑनलाइन एप्लीकेशन एटसेट्रा, ये सारी डेट यहाँ पर आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें। और इसकी वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको दे देती हूँ, ये www.uou.ac.in है। यहाँ मैं इसे थोड़ा स्क्रीन बड़ा करूँ इसकी, हालांकि एंड में मैंने सबकी वेबसाइट एक साथ डिस्कस की है, पर लास्ट डेट एटसेट्रा आप नोट डाउन कर लें। सब्जेक्ट्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई करें, ये उत्तराखंड में है और ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ मैंने मेंशन किए हैं। चलिए मैं तीसरे, नेक्स्ट जो लास्ट सॉरी फोर्थ रिक्रूटमेंट और वैकेंसीज की बात करूं, फोर्थ जो रिक्रूटमेंट आई, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इनवाइट्स बेस्ट इन क्लास फैकल्टी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ये देखिए कितने सारे सब्जेक्ट हैं, आप पहले सब्जेक्ट्स देख लें कितने सारे डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि अप्लाई करते वक्त आपको कोड जरूर मेंशन करना है, जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए आपको ये कोड मेंशन करना है, तो ये सारे कोड आप जरूर नोट डाउन कर लें। कोड यहाँ पर लिखे हैं, स्कूल के भी कोड हैं और साथ ही साथ सब्जेक्ट के भी, डिपार्टमेंट के भी कोड हैं, तो ये दोनों आपको नोट डाउन करने हैं क्योंकि अप्लाई करते वक्त ये कोड आपको मेंशन करनी है जिससे प्रॉपर कैटेगराइजेशन हो सके। तो सब्जेक्ट्स में इतने सारे रीड आउट नहीं करने वाली, लेकिन आप पहले लेफ्ट हैंड साइड की पढ़ लें सब्जेक्ट्स, फिर मैं राइट हैंड साइड के सब्जेक्ट्स भी क्लियरली दिखाती हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड के सारे सब्जेक्ट्स मैं स्क्रीन पे थोड़ा इन्हें बड़ा और कर दूँ, ये पहले आप इन्हें देख लें अगर ये सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के हों तो। ये भी बेंगलोर में ही है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये भी बेंगलोर में ही है कर्नाटका, तो जो इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट देख लें आप, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ये यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर रन होते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स आप खुद देखें। चलिए राइट हैंड साइड में नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी हैं, वो भी हम देख लें पहले।
ये एमबीए वालों के लिए काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल सब्जेक्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए भी हैं सब्जेक्ट्स, लॉ वालों के लिए भी हैं, साइंस के लिए भी हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए इंग्लिश, कन्नड़ा, स्पेनिश लैंग्वेज के लिए भी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फ्रेंच, इंटरनेशनल रिलेशन, और ये सारे सब्जेक्ट, अकाउंटिंग, फाइनेंस। तो जिन्होंने एमबीए किया है या कॉमर्स में मास्टर्स है वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए। डिसीजन साइंसेस, फिल्म प्रोडक्शन, ये सारे सब्जेक्ट्स आप नोट डाउन कर लें, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई करें। मैं एंड में आपको इन सभी की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। कोड भी आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें, बिकॉज कोड भी मैं इस एडवर्टीजमेंट के बारे में, एक खास बात यह है कि ये एडवर्टीजमेंट फिलहाल उनके वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये कहाँ से आपको मिलेगी और कैसे अप्लाई करना है, तो नोट डाउन कर लें सभी की लिंक इस तरीके से। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की ये लिंक है, प्लीज़ नोट डाउन कर लें इसे। अगर आपको ये पूरी की पूरी नोट डाउन नहीं भी करनी हो तो ये christuniversity.in में आप जाकर करियर सेक्शन में जाके सर्च आउट कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर मिल जाएगी जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन, और अगर ना मिले तो ये फिर डिटेल में आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, दूसरा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो लिंक है वो आप नोट डाउन कर लें, जिससे आपको, अगर मेन वेबसाइट की लिंक जो है ये यहाँ पर है, यहाँ पर भी जाकर आप सर्च आउट करेंगे तो मिलेगी ज़रूर नोटिफिकेशन। कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलती, इसलिए मैंने डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक ही कॉपी की है। किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट में अगर आप इंटरेस्टेड हो पुणे में, तो ये उसकी लिंक है, ये नोट डाउन कर लें और यहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बताती हूँ। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर में है, ये इनके वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, ये रेफरेंस एडवर्टीजमेंट ली हुई है टाइम्स एसेंट, डेटेड वेडनेसडे मार्च 11, 2020, मुंबई थाने। ये जो मुंबई थाने से जो ये न्यूज़पेपर टाइम्स एसेंट का जो सेक्शन होता है रिलीज, उसमें ये एडवर्टीजमेंट आई थी, और इनकी लास्ट डेट दी हुई है within 15 days ऑफ डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, मीन्स 11 मार्च से 15 दिनों के अंदर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और ये careers@presidencyuniversity.in में आपको अपने CV अलॉन्ग विथ आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनकी आप स्कैंड कॉपी यहाँ पर भेज सकते हैं, careers@presidencyuniversity.in। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, इन्होंने ये एडवर्टीजमेंट अपनी टाइम्स एसेंट में पब्लिश कराई है, डेट भी मेंशन किया है मैंने और सेक्शन भी मेंशन किया है। तो होपफुल ये जानकारी आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि चार अलग अलग कॉलेजेस की जानकारी, मैं इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आपके पास पुनः आती रहूंगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।